चैप्टर में हमको पढ़ना है मेनली कोलाइडल स्टेट। तो इसमें तीन सॉल्यूशन देखेंगे, एक है आपका ट्रू सॉल्यूशन, मेन सेकंड है कोलाइडल सॉल्यूशन, और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग सस्पेंशन। सस्पेंशन को निलंबन भी बोलते हैं, निलंबन। इन तीनों को थोड़ा सा देख लें, उसके बाद हमको पढ़ना है ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनता है और सस्पेंशन कौन से सॉल्यूशन को कहेंगे। तो यहाँ पर मैं सपोज ये बीकर ले रही हूँ, पहला वाला बीकर है, तीन बीकर ले रही हैं अलग अलग, ये दूसरा बीकर ली है और ये तीसरा, तीन बीकर ली हूँ, तीनों बीकर में डिस्टिल वाटर डला हुआ है और इन तीनों बीकर में यदि हम अलग अलग सॉल्यूशन डालते हैं, यहाँ पर ये डिस्टिल वाटर पानी डला हुआ है, अब इस पानी के साथ हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे, तो पहले वाले जो सॉल्यूशन है उसमें यदि हम सॉल्ट डाल दें, पहले वाले जो बीकर हैं ए बी और सी, पहला वाला जो बीकर है ए, उस बीकर में यदि हम इस पानी में सॉल्ट डालते हैं, ये जो पानी है उसमें हम लोग सॉल्ट डाल दें, नमक, तो जब हम नमक इसमें डालेंगे तो ये जो नमक है पानी के साथ पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, नमक पानी के साथ पूरी तरह डिसॉल्व होगा और डिसॉल्व हो करके यहाँ पर एक सॉल्यूशन बन जाएगा। जब पानी के साथ नमक को डिसॉल्व करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। और ये जो सॉल्यूशन है उसकी प्रकृति देखें तो इस सॉल्यूशन की प्रकृति होमोजीनियस होती है, होमोजीनियस प्रकृति का होता है, मतलब जब नमक और पानी का घोल बनाते हैं तो वो घोल एक दूसरे में इस प्रकार से मिक्स हो जाता है, मिल जाता है कि उनको अलग करना पॉसिबल नहीं होता, मीन्स उसको अलग नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ यदि हम उसको देखना चाहें अपने आंखों से देखना चाहें तो जो नगण्य आंख है उससे या माइक्रोस्कोप से भी देखें तो इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट यूज हुआ है उसको हम लोग किसी भी कंडीशन में देख नहीं पाते, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का यदि हम लोग साइज देखें तो इस सॉल्यूशन का साइज जो होती है वो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा चश्मा भूल गई हूँ। इस सॉल्यूशन तो ये जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की साइज देखें तो इनकी साइज जो होती है, जनरली इनका साइज देखा जाए तो इसका साइज होता है 0.1 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर साइज का होता है, मतलब इतना छोटा होता है इनका साइज कि हम इसको अपने नगण्य आंख से या माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहें उस कंडीशन में भी हम नहीं देख पाते, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, ये पहला सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन को यदि बीकर सी में हम डाल देते हैं, बीकर सी में सेंड डाल देते हैं, रेत को डाल देते हैं, और रेत को डालते हैं तो रेत ऐसे का साइज जनरली थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। जब हम रेत को इस पानी में डालते हैं और पानी में डाल करके जब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि रेत का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, बारीक कण होती है, वो इस बीकर के नीचे तली में बैठ जाता है। ऐसे बीकर के नीचे देखोगे तो तली में इकट्ठा हो जाती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है निलंबन।
निलंबन में क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाने के बाद कुछ समय पश्चात देखेंगे तो वो जो सॉल्यूशन बना रहता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें इजिली अलग अलग दिखाई देने लगता है, तो उसको कहा जाता है निलंबन। ठीक है, देन सपोज तीसरा देखते हैं, तीसरा है आपका बी सॉल्यूशन। बी में क्या होता है, जब हम ये सॉल्यूशन है उसमें स्टार्च डाल दें, स्टार्च डालें या मैदा जिसको बोलेंगे, या इसमें हम क्या डाल दें, मैदा डाल देते हैं। तो मैदा आप लोग देखे हो, और मैदा कैसा रहता है, पाउडर रहता है, एकदम बारीक पाउडर रहता है। जब इसको हम इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो सॉल्यूशन में डालने के बाद उसको सक करते हिलाते हैं, सेक करते हैं, तो ये सॉल्यूशन एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि इनको अलग करना जो होती है वो पॉसिबल नहीं होता है। इसको कहा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। दूसरी चीज जो ये सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का यदि हम साइज देखें तो ये जो सॉल्यूशन है उनकी साइज 1 नैनोमीटर से, इसकी साइज होती है 1 नैनोमीटर से होता है आपका 10^3 नैनोमीटर होता है। इनकी साइज क्या होती है, 1 नैनोमीटर से 10^3 नैनोमीटर होता है। लेकिन जो सस्पेंशन होता है उनकी साइज देखेंगे तो इनकी साइज जो है वो लार्जर, इनकी साइज देखें तो इनकी साइज जो है वो 10^3 नैनोमीटर से भी अधिक होता है, 10^3 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें की साइज 10^3 नैनोमीटर से अधिक हो उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। अब इसी के अकॉर्डिंग ये होमोजीनियस होता है, और जो दोनों सॉल्यूशन है वो कैसा रहता है, ये दोनों सॉल्यूशन हिट्रोजीनियस होता है, हिट्रोजीनियस होता है। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं किसे कहेंगे, वे सॉल्यूशन जिनकी साइज 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होता है उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन की नेचर होमोजीनियस होती है। फिर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से 10^3 नैनोमीटर के बीच होता है उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। देन थर्ड आता है निलंबन। निलंबन क्या है, तो वे सॉल्यूशन जिनकी साइज 10^3 नैनोमीटर से भी अधिक होता है उसको कहा जाता है सस्पेंशन। तो ये दोनों की प्रकृति, कोलाइडल सॉल्यूशन और निलंबन, इन दोनों की प्रकृति हिट्रोजीनियस प्रकार की होती है। तो हम तीन सॉल्यूशन पढ़े, तो इस चैप्टर के अंतर्गत मोस्टली हमको पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशन को। इन दोनों के बीच के जो सॉल्यूशन होती है, इन दोनों के बीच के सॉल्यूशन को, कोलाइडल सॉल्यूशन को हमको पढ़ना है। बाकी ये तो मैं आप लोग को नॉलेज के लिए बताएं किस ट्रू सॉल्यूशन किसको कहेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन किसको कहेंगे और निलंबन सॉल्यूशन। हमको डिटेल्स पढ़नी है इस चैप्टर में है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, और इसी से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन आती हैं और इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। निलंबन किसे कहा जाता है, तो निलंबन क्या है, जिनकी साइज 10^3 नैनोमीटर से भी अधिक हो, और साथ ही साथ जब हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो सॉल्यूट होता है वो पूरी तरह से सॉल्यूशन बनने के थोड़ी समय बाद वो नीचे तली में इकट्ठा हो जाती है या नीचे बैठ जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग निलंबन। तो हमको अब डिटेल्स में देखनी है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। डिटेल में जो पढ़ना रहेगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मैं इन दोनों को रफ कर दे रही हूँ, पढ़ेंगे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन। तो फर्स्टली आपको कोलाइडल सॉल्यूशन देखना क्या है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए क्या है कि जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में जो कण यूज होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल का साइज यदि 1 नैनोमीटर से 10^3 नैनोमीटर हो उसको बोलते हैं हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए क्या है, पार्टिकल्स का साइज,
पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 10^3 नैनोमीटर हो। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं, इतना नैनोमीटर के बीच हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीज यूज हुआ है, एक स्टार्च और दूसरा हुआ है आपका वाटर। जैसे हम लोग कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में दो चीजें रहती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट, दो यूज होता है। इन द सेम कंडीशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, लेकिन इनको अलग से नाम दिया गया है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है, जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है वो कौन सा है, वाटर है। यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है, जिनकी क्वांटिटी हाई होती है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर वाटर होता है। क्योंकि ये सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो सॉल्वेंट है उसकी कंपेयर किया जाता है डिस्पर्जन मीडिया से, इसकी कंपेयर किया जाता है डिस्पर्जन मीडिया, इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडिया। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्जन मीडिया, मतलब इसमें दो माध्यम यूज होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। और दूसरा जो सॉल्यूट यूज करते हैं, सॉल्यूट क्या यूज हो रहा है, स्टार्च, ये स्टार्च यूज हो रहा है, इस स्टार्च को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्ज फेज बोलेंगे। एक हो गया डिस्पर्जन मीडिया और दूसरा को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट के रूप में स्टार्च यूज हो रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं डिस्पर्स मीडिया और डिस्पर्स फेज, ये दो वर्ड इसमें यूज होता है, परिक्षेपण माध्यम और दूसरा को हम क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, इन दो चीजों को आपको इसके अंतर्गत देखना है। और इस जो डिस्पर्जन मीडिया है उसकी कंपेयर किया गया है सॉल्वेंट से, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यूज करते हैं और सॉल्यूट, वैसे ही इसमें यूज करेंगे हम लोग सॉल्वेंट में डिस्पर्जन मीडिया और सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था या डिस्पर्ज फेस। ये चीज आपको याद रखनी है, इन दोनों चीजों को आपको बिल्कुल नोट करके रखना है कि हम किस किस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। सब जब जो सॉल्यूट यूज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज, और जो सॉल्वेंट के रूप में यूज होगा जिनकी क्वांटिटी हाई जैसे कि वाटर लिए हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्जन मीडिया बोल देते हैं। देन सेकेंड इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, तो वे सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स का साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हो उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इन तीनों में हम लोग थोड़ा सा देख लें, अभी तुम लोग को बताई थी कोलाइडल सॉल्यूशन बताई हूँ, सस्पेंशन बताई हूँ और एक ट्रू सॉल्यूशन। तो इन तीनों सॉल्यूशन में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है उसको हमको थोड़ा देखना है, क्या क्या इनमें बेसिक अंतर पाई जाती है उसको तीनों को देखना रहेगा। तो जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन का देखें तो कणों का आकार कोलाइडल सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज जो होती है वो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर होता है। और सस्पेंशन में देखेंगे तो पार्टिकल का साइज 10^3 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। ये फर्स्ट अंतर आपको देखेंगे। देन सेकेंड अंतर देखेंगे तो यदि हम उसका क्या करें, फिल्ट्रेशन करें, छाने, तो ट्रू सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन को जब हम लोग छानते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन को छानने के लिए किसी भी प्रकार की
मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। जो एनिमल मेम्ब्रेन हम लोग यूज करते हैं, जंतु झिल्ली, उसका उपयोग, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हिट्रोजीनियस होता है, और साथ ही साथ वो आपस में इस प्रकार मिक्स होते हैं कि उसको छानने के लिए हमें सेल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। और जो ट्रू सॉल्यूशन है वो है उसको छानने के लिए भी, जब एनिमल मेम्ब्रेन से छानते हैं तो उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल्स जो है उस एनिमल मेम्ब्रेन से पूरी तरह से छन जाता है। तीसरी कंडीशन है सस्पेंशन में देखेंगे तो सस्पेंशन को में जो सॉल्यूशन रहता है उसको एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा जब हम उसको छानते हैं तो इसमें जो सॉल्यूट होता है, मीन्स सेंड का जो कण होती है वो रुक जाती है, बाकी जो पार्टिकल्स है वो सेल में एनिमल मेम्ब्रेन से होकर के छन जाता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे तो नीचे में बैठने की प्रकृति। तो याद रखना जो निलंबन होता है उसकी मोस्टली प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनने के 5 मिनट बाद या थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स है वो नीचे तली में बैठ जाता है। ये निलंबन में होता है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। और प्रॉपर्टी देखें तो विसरण, विसरण की प्रॉपर्टी देखें तो इनके कण जो है, मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनके कण धीरे धीरे विसरित होते हैं, धीरे धीरे वो विसरण की क्रिया करते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन का जो कण होता है वो बहुत फास्ट विसरित होता है। और तीसरे जो सस्पेंशन होती है उसका कण देखेंगे तो उसमें विसरण की क्रिया बहुत धीमी गति से होती है, अत्यंत ही धीमी गति से होती है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स का जो साइज होती है वो अधिक होता है कंपेयर टू सॉल्यूशन एंड आ कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट और पॉइंट देखें, क्लास दृश्यता, मतलब हम इसको देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए बताया गया है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं और ट्रू सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। लेकिन जो सस्पेंशन होता है उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम अपने नगण्य आंखों से इजली देख सकते हैं। इतना इसमें याद रखना आप लोग, तीनों सॉल्यूशन। ये चैप्टर पूरा थ्योरिकल है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको रटना इसमें पड़ेगा, थोड़ा समझना है और थोड़ा सा आपको याद भी करते जाना है। अब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया। तो मोस्ट इनका क्लासिफिकेशन देखें कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को तो वैसे बहुत अलग अलग बेसिस पर इनको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है उसकी जो परिक्षिप्त प्रवस्था पाई जाती है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इसके किसी भी परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम इनके मध्य हो पाए जाने वाले अंतर क्रिया की प्रकृति के आधार पर इसका पहला क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन क्या दिया गया है? परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच अंतः क्रिया की प्रकृति के आधार पर, परिक्षिप्त प्रवस्था माध्यम के
होने वाली अंतःक्रिया के आधार पर। इसको आपको बताना पड़ेगा कि किस बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया है। तो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य पाए जाने वाले अंतःक्रिया की प्रकृति के आधार पर इसको बांटा गया है। और कितने भागों में बांटा गया है इसको, तो दो भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन देखें तो कितने भागों में, दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। टू पहला को नाम दिया गया है लायोफिलिक सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन का नाम है लायोफिलिक सॉल्यूशन और दूसरा को नाम दिया गया है लायोफोबिक सॉल्यूशन। किसके आधार पर बांटा गया है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक को हम क्या बोलते हैं, पर लायोफिलिक कोलाइडर और दूसरा होता है आपका द्रव विरोधी कोलाइड। कोलाइड्स लिख ले, लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक। हिंदी नाम थोड़ा देख लो भाई, आप लोग को थोड़ा इजीली समझ। लायोफिलिक को बोला जाता है द्रव स्नेही कोलाइड। लायोफिलिक का नाम है द्रव स्नेही, द्रव स्नेही, और लायोफोबिक द्रव विरोधी। तो जनरली आप लोग देखते हो कि हर एक इंसान का एक दुश्मन होता है और एक दोस्त होता है, देखते हैं ना हम लोग। वैसे इनका भी यही कंडीशन है। द्रव में देखेंगे एक क्या करता है, एक द्रव से क्या करता है, दोस्ती करता है, लव करता है, और दूसरा क्या करता है, उससे घृणा करता है, हेट करता है। तो सेम कंडीशन इसमें भी बताया गया है। तो ऐसे कोई भी या लायोफिलिक सॉल्यूशन या लायोफिलिक कोलाइड किसको बोलेंगे, तो नाम से ही क्लियर है यहाँ पर। लायो, लायो का मतलब क्या हो गया, लिक्विड। देखो नाम से क्लियर हो, लायो मतलब क्या हो गया, लिक्विड, और फिलिक मीन्स लव, फील करना, लव, लविंग लिख दें फीलिंग। वैसे लायोफोबिक का मतलब क्या हो गया, लायो का मतलब लिक्विड, और फोबिक का मतलब होता है हैटिंग। ये इसका मतलब होता है हैट, हैटिंग मीन्स घृणा, यहाँ पर हैट करना, घृणा करना। अब देखो इसी के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ये इसका मतलब होता है मेनली लायोफिलिक, लिक्विड द्रव के प्रति क्या होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लायोफिलिक कोलाइट। लायोफोबिक द्रव के प्रति क्या होना चाहिए, घृणा हो, विरोध करे, द्रव का विरोध करे, उसको हम क्या बोलते हैं, लायोफोबिक कोलाइट बोलते हैं, ठीक है। अब इनका दोनों का डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और दोनों में क्या क्या बेसिक अंतर है वो आपको देखनी है, और एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो पूछेगा कि एनी थ्री अंतर या फोर अंतर बताइए लायोफोबिक और लायोफिलिक में, या पूछा जाता है लायोफिलिक कोलाइड क्या है एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए, या लायोफोबिक कोलाइड क्या है एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए करके। तो मैं यहाँ पर दोनों को एक साथ बता रही हूँ, किसको हम लायोफिलिक बोलते हैं और किसको हम लोग रायो, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला है लायोफिलिक सॉल्यूशन या लायोफिलिक कोलाइड। तो इसमें बताया गया, फर्स्ट पहले मैं डेफिनेशन ही बता देती हूँ, लायोफिलिक किसको बोलेंगे, कोलाइड्स में। लायोफिलिक कोलाइड्स वे कोलाइड्स, ध्यान देना, वे कोलाइड जो परिक्षिप्त प्रवस्था
और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों के बीच, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों के बीच प्रबल, इन दोनों के बीच प्रबल इन दोनों के बीच प्रबल क्या होना चाहिए? लायोफिलिक में परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों के मध्य यदि प्रबल स्नेह हो, मतलब अधिक लगाव हो या एक दूसरे को बांधे रखने की जो कैपेसिटी हो वो अधिक हो, तो उसको कहते हैं हम लोग लायोफिलिक कोलाइट। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य यदि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हो, प्रबल बंधता, प्रबल हो, बंधुता जो होती है वो प्रबल हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग लायोफिलिक कोलाइट। बन जाएगा डेफिनेशन, किसके किसके मध्य? डिस्पर्स मीडिया और डिस्पर्सन, डिस्पर्स मीडिया और डिस्पर्स फेस, इन दोनों के मध्य स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। हाँ, क्या हो रहा है? तो इसमें डेफिनेशन क्या दोगे? डिस्पर्स मीडिया और डिस्पर्सन फेस में क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हो, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हो, प्रबल बंधुता हो, तो उसको कहते हैं हम लोग लायोफिलिक कोलाइट। फिर लायोफोबिक किसको बोलेंगे? तो जिसमें क्या होना चाहिए? डिस्पर्स मीडिया और डिस्पर्सन फेस, इन दोनों के मध्य लो एफिनिटी हो, लो एफिनिटी हो, तो उसको कहा जाता है लायोफिलिक कोलाइट। मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच जो बंधुता होती है, एक दूसरे को बांधे रखने की कैपेसिटी यदि कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लायोफिलिक। मतलब ये मतलब ही बता दी हूँ, लिक्विड के प्रति इसमें क्या होना चाहिए? हैटिंग, घृणा होना चाहिए, और इसमें क्या हो रहा है? लिक्विड के प्रति लविंग हो रहा है, इसलिए वो क्या करेगा? दोनों माध्यम में, डिस्पर्स मीडिया और डिस्पर्स फेज में बंधुता, बांधे रखने की क्षमता अधिक होगी, और इसमें बांधे रखने की क्षमता जो होती है वो कम होगी। ये डेफिनेशन भी है और अंतर में भी आएगा, याद रखना इसको। दूसरा इसका देखें, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? स्थायित्व भी बोल सकते हैं ना। इनकी जो स्थायित्व है वो द्रव नहीं है, द्रव नहीं जो है उसके लिए अधिक होगा, और द्रव विरोधी के लिए क्या हो जाएगा? कम होगा। अब देखिए इनका मुख्य अंतर, अंतर इसको हम पहला ले लें। सेकंड अंतर क्या होगा? स्थायित्व देख लिए, स्थायित्व क्या हो गया? स्ट्रांग एफिनिटी होगी, और इसमें क्या होता है? वीक एफिनिटी होती है। अब इसमें मैं अंतर आप लोग को बता दे रही हूँ, कैसे बताना है दोनों के मध्य अंतर। अंतर तो इनके गुण के आधार पर बताओगे। एक पॉइंट मैं यहाँ पर गुण लिख दे रही हूँ, और ये एक पहला है और ये आपका दूसरा है। एक हो गया लायोफिलिक कोलाइड और दूसरा हो गया लायोफोबिक कोलाइड। पहला अंतर क्या बताई हूँ? स्थायित्व। स्थायित्व क्या होता है? तो स्ट्रांग होगा किसमें? लायोफिलिक कोलाइड्स में, और जो लायोफोबिक होगा उसमें लो हो जाएगी, एफिनिटी क्या होगी? लो होती। ये पहला और मुख्य अंतर होता है। दूसरा अंतर बताया गया है लायोफिलिक सॉल्यूशन में, डायरेक्ट जब हम इस सॉल्यूशन को सेक करते हैं ऑन
सेकिंग विथ डिस्पर्स मीडिया, जब हम डिस्पर्स मीडिया परिक्षिप्त माध्यम को डायरेक्ट सेक करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो लायोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन बनानी है आपको, तो हमें सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा, सेकिंग करना पड़ेगा। सेकिंग करना पड़ेगा किसको, डिस्पर्स मीडियम को। जब हम डिस्पर्स मीडियम को सेकिंग करते हैं तो डायरेक्ट प्रिपेयर क्या हो जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्पर्स मीडिया को डायरेक्ट सेक करना पड़ता है। सेक करने से वो सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन लायोफोबिक सॉल्यूशन के लिए हमें सेक करने से डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बनता, इसको बनाने के लिए अलग अलग से मेथड का यूज किया जाता है। इस मेथड को हम लोग बाद में अभी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये दूसरा इनका अंतर है, प्रिपेयर करना, तैयार करना, कैसे तैयार करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी देखें या अंतर देखें इसमें, तो तीसरी प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा, या अंतर बोल सकते हैं इसी को, विद्युत अपघट्य का क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत अपघट्य का प्रभाव, विद्युत अपघट्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो लायोफिलिक कोलाइड्स होती हैं, वो लायोफिलिक कोलाइड में यदि हम अल्प मात्रा में क्या मिला दें, विद्युत अपघट्य को मिला देते हैं अल्प मात्रा में, तो अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य को मिलाने पर अवक्षेपण हो जाता है। थोड़ी सी मात्रा यदि विद्युत अपघट्य का हम लायोफिलिक सॉल्यूशन में मिला देते हैं तो वो अवक्षेपित हो जाता है। याद रखना, मतलब थोड़ी मात्रा मिलाने पर, सॉरी, थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर अवक्षेपित नहीं होता, अधिक मात्रा मिलाने पर ये क्या हो जाता है, अवक्षेपित होता है। इसको याद रखना, यदि हम क्या करें, अधिक मात्रा में मिलाते हैं तो अधिक मात्रा में मिलाने पर इनका अवक्षेपण होता है। अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य अवक्षेपण होता है किसमें, लायोफिलिक कोलाइड्स में। और इसमें क्या हो जाएगी, अल्प मात्रा मिलाने पर कोलाइड सॉल्यूशन मिलाने पर अवक्षेपण होगा। डिफरेंट मेथड, ये तीन अंतर हो गया। आगे और देखें चौथा, ये जो लायोफिलिक कोलाइड्स होता है उनका नेचर देखें, उनकी प्रकृति देखें, तो इनकी जो प्रकृति होती है वो इंट्रिंसिक कोलाइड्स के समान होता है। नेचर कैसा होगा, इंट्रिंसिक, जो इंट्रिंसिक कोलाइड्स होती हैं उसी के समान ये होता है, जबकि लायोफोबिक जो होता है वो इंट्रिंसिक ना हो करके क्या होगा, एक्सट्रिंसिक नेचर का होता है। ये चार अंतर, बहुत सारा अंतर आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसमें से कुछ अंतर को ही मैं बताऊंगी। कोलाइडल सॉल्यूशन, लायोफिलिक सॉल्यूशन इजली प्रिपेयर, आसानी से हम तैयार कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, लायोफिलिक सॉल्यूशन को इजली तैयार किया जा सकता है, इजली तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो लायोफोबिक सॉल्यूशन है उसको इजली तैयार नहीं किया जा सकता, इजली नॉट प्रिपेयर, इतना याद रखें। इतना मिटा दो फिर आगे का पॉइंट बताऊंगी। और लायोफिलिक सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है, जबकि लायोफोबिक सॉल्यूशन जो होती है वो
अनस्टेबल होता है। और कुछ इसका अंतर है उसको मैं बता दे रही हूँ। इसमें आवेश ओरल बता दो इसको, ओरल बता रही हूँ इसमें और क्या क्या अंतर पाई जाती है। दृश्यता मतलब देखना है जैसे हमें, तो कैसे देखेंगे, तो जितने भी लायोफिलिक सॉल्यूशन होती है उस लायोफिलिक सॉल्यूशन के कण जो है वो अति सूक्ष्म दर्पी की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। लायोफिलिक जो सॉल्यूशन है उसको देखने के लिए हम अति सूक्ष्मदर्शी का सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, लेकिन जो लायोफोबिक होती है उसकी सॉल्यूशन को देखने के लिए अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम लोग देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। ये कंडीशन इसमें होती है। टिंडल प्रभाव देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव देखेंगे तो जो लायोफिलिक होती कोलाइड्स होती हैं उसमें टिंडल प्रभाव में प्रकीर्णन कम होता है, और लायोफोबिक कोलाइड्स में टिंडल प्रभाव देखेंगे तो प्रकीर्णन की जो दर होती है वो अधिक होती है। इसमें प्रकीर्णन टिंडल इफेक्ट अभी देखेंगे, और टिंडल इफेक्ट कौन से सॉल्यूशन शो करता है, तो हमेशा कोलाइडल सॉल्यूशन में ही टिंडल इफेक्ट होता है। तो टिंडल इफेक्ट में रेडिएशन का प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन की जो दर होती है वो लायोफिलिक में कम होता है और लायोफोबिक में अधिक होता है। ये इनकी बेसिक अंतर होती है, इनको आपको देखना रहेगा। नेक्स्ट फिर आगे और अंतर दिया हुआ है, कुछ अंतर आप लोग खुद से पढ़ लेना। भौतिक गुण देखें तो पृष्ठ तनाव का जो गुण है या है वो कम होता है, और श्यानता की प्रॉपर्टी जो होती है अधिक होती है लायोफिलिक में, और लायोफोबिक में जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो ये कुछ अंतर है, आपको कम से कम 5 अंतर इसका याद रखना है। रफ कर दूं, अब इसका सेकंड क्लासिफिकेशन देखें। ये तो हो गया पहला, जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं बता रही हूँ, बाकी को क्लासिफिकेशन को नहीं देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आता है उसी क्लासिफिकेशन को आपको देखना रहेगा। तो ये पहला क्लासिफिकेशन, उनके मध्य होने वाली अंतःक्रिया के आधार पर हम इसको क्लासिफाई कर दिए। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखें इसका, आणविक, उनकी आणविक आकार के आधार पर क्लासिफाई करें। आणविक आकार के आधार पर सेकेंड क्लासिफिकेशन, आणविक आकार के आधार पर जितने भी कोलाइडर सॉल्यूशन है उनमें जो अणु यूज किया जा रहा है उस अणु के आकार के आधार पर कोलाइडर सॉल्यूशन को अलग अलग भाग में बांटा गया है, और इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूलर, और तीसरा है इसका एसोसिएटेड कोलाइड। ये 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। इनमें पाए जाने वाले अणु के आकार के आधार पर इसको बांटा गया है, बहु आणविक कोलाइड, बहु आणविक कोलाइड, बहु आणविक कोलाइड। दूसरा है मैक्रो, मैक्रो मतलब वृहद, वृहद आणविक कोलाइड, और एसोसिएट, एसोसिएट मतलब क्या है, संगुणित होना,
संगुणित कोलाइड, ये तीन इसका टाइप्स है। अब इन तीनों को हमको देखना है और इन तीनों में अंतर भी देखना है, तो मैं एक साथ बता रही हूँ इसको, अंतर भी हो जाएगा इसका और डेफिनेशन भी हो जाएगा। पहला देखिए, हम लोग एक साथ बता रही हूँ, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखें, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड किसको कहा जाता है, तो इसका डेफिनेशन होता है जब परमाणु या फिर अणु जिनका आकार, जब परमाणु या अणु जिनका आकार एक नैनोमीटर से कम होता है उसे कहते हैं हम लोग बहुआणविक कोलाइड। बहुआणविक कोलाइड में बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़ करके एक बड़े मॉलिक्यूल्स का, बड़े कोलाइड पार्टिकल्स का निर्माण करता है, उसको कहा जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, बहुआणविक कोलाइड। तो वे कोलाइड जिनमें अणु का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो, और बहुत सारे अणु आपस में और बहुत से छोटे अणु आपस में जुड़कर कोलाइड का निर्माण करे तो उसको कहते हैं हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। ये डेफिनेशन भी होगा और इसका अंतर में भी आ जाएगा। सेकंड है आपका मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब उसका मतलब क्या है, वृहद मीन्स बहुत बड़े आकार के मॉलिक्यूल, बड़े आकार के कोलाइड्स जिसको बोलते हैं। ये स्वयं जो है वो बड़े आकार के होते हैं और इनका आणविक द्रव्यमान बहुत ही अधिक होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका आणविक द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो, आणविक द्रव्यमान ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। जिनका आणविक द्रव्यमान बहुत ज्यादा हाई हो उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। फिर आता है एसोसिएट। एसोसिएट में कम सांद्रता वाले बहुत सारे अणु जब आपस में जुड़ जाते हैं और एक समान कोलाइड का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएट कोलाइड। एसोसिएट कोलाइड में क्या होगा कि जब बहुत सारे अणु आपस में एसोसिएट होगा, जुड़ेगा, संगुणित होकर बड़े कोलाइड्स का या कोलाइड्स का निर्माण करते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग एसोसिएट कोलाइड। छोटे अणुओं का आपस में जुड़कर या संगुणित होकर कोलाइड का निर्माण करे तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएट कोलाइड। ये पहला तीनों का अंतर हो गया, अंतर भी है और डेफिनेशन भी है। दूसरा हम लोग देखते हैं तो इसमें बताया गया इनकी प्रकृति, ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हैं, उनकी प्रकृति जो होती है वो जनरली लायोफोबिक होता है। मल्टी मॉलिक्यूल्स कोलाइड जो है इनकी नेचर जो लायोफोबिक होता है, याद रखना इसको, लायोफोबिक नेचर का होता है मल्टी।